अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के बारे में। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। शीना कहती है कि सफदर साहब थोड़ा हिम्मत से काम ले, क्या हो गया है? मैं तो जानती थी कि फैजान एक दिन यह काम ज़रूर करेगा, शादी ही तो की है। सफदर साहब कहता है कि मेरे पास अभी लफ्ज़ नहीं है तुम्हें कुछ भी कहने को, क्या तुम्हें शादी एक काम सी बात लगती है? अच्छी खासी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। खैर, तुम्हें समझाने का क्या फ़ायदा, तुमने तो खुद अपनी बेटी की ज़िंदगी दाव पर लगा दी। अगर तुम्हारी तरबियत अच्छी होती ना तो आज नताशा का जो हाल है वो कभी भी ना होता। शीना कहती है कि दोनों बच्चों के साथ आप तो अपनी मर्जी करना चाह रहे थे तो ठीक है ना, फैजान का तो ये हक बनता था। जब वो हादिया के साथ खुश नहीं था तो शादी उसका हक था, ठीक है, उसने शादी कर ली, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे। हादिया की अम्मी कहती है कि ठीक है भाईजान, बस इसी दिन का इंतज़ार था मुझे, अब किस बात का रोब झाड़ रहे हैं आप? क्या आप मेरी बेटी को इसलिए लेके गए थे कि बाद में हमें इतना जलील करें? सदर साहब कहते हैं कि देखे भाभी, अगर मैं आपसे जितने भी माफ़ी मांग लूँ मेरी वो माफ़ी कम है, मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये फैजान ने क्या कर दिया। मैंने कभी भी हादिया में और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखा, तो ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड।